नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बीट से एक फ्लावर बास्केट बना के दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट स्टेज में हम चेन बनाएंगे और इस चेन की वीडियो मैंने बीडिंग फॉर बिगिनर्स पार्ट वन में दिखाया है डिटेल में, आप उसे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमें चेन बनाना है। तो पहले हम एक बीड लेंगे और थ्रेड की यहाँ से नीडल को निकाल के यहाँ पे थ्रेड के साथ बीट को एक नॉट लगाएंगे। अब हम तीन बीड्स लेंगे और सबसे पहले हमने जो एक बीड लिया था उस एक बीड के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे चार बीड से एक फ्लावर बना है। अब हम यहाँ से दो बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। अब हमें तीन बीट्स लेना है और देखिए मेरा थ्रेड यहाँ पे है। हम इस तरफ से नीडल को निकालेंगे और अभी जो हमने तीन बीड्स लिया था वहाँ से हम सिर्फ दो बीड के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो इस तरह से हम सेकंड फ्लावर को बनाएंगे। अब थर्ड फ्लावर को बनाने के लिए हम फिर से तीन बीड्स लेंगे और यहाँ से हम इस तरफ थ्रेड है, हमें इस तरफ से नीडल को निकालना है और हमें यहाँ से दो बीट के अंदर से नीडल को निकालना है। इस तरह से हम फर्स्ट स्टेज में 9 फ्लावर्स बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 9 फ्लावर्स बना लिया है फर्स्ट चेन में। अब हम यहाँ से सेकंड चेन स्टार्ट करेंगे। सेकंड चेन की वीडियो मैंने बीडिंग फॉर बिगिनर्स पार्ट 2 में डिटेल में दिखाया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ से हमें सेकंड चेन स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में हम तीन बीड्स लेंगे और यहाँ से दो बीड्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो इस तरह से हम सेकंड चेन के फर्स्ट फ्लावर बना लिया है हमने। अब हम सेकंड फ्लावर को बनाएंगे। तो देखिए थ्रेड यहाँ पे है। अब हम फिर से दो बीड्स लेंगे और यहाँ से हम इन तीनों बीड के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो पहले हम दो बीड लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है उस फ्लावर से एक बीड और फर्स्ट चेन से दो बीट। इस तरह से हम तीन बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। सेकंड चेन को हम जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से हम बाकी चेन्स भी बनाएंगे। फिर से हम दो बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है उस फ्लावर से एक बीट और फर्स्ट चेन से दो बीट्स। इस तरह से हम तीन बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे।
फिर से दो बीट्स लेंगे। अभी जो हमने फ्लावर बनाया है उस फ्लावर से एक बीट और फर्स्ट चेन से दो बीट, इस तरह से हम तीन बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। इसी तरह से हमें सेकेंड चेन को बनाना है और बाकी चेन्स भी हम इसी तरह से बनाएंगे। स्टार्टिंग में तीन बीट्स लेंगे, उसके बाद दो बीट लेके उसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह से हमें 9 चेन्स बनानी है और सभी चेन्स में 9 फ्लावर्स रहेगा। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप बीडिंग फॉर बिगिनर्स पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने इस पार्ट को डिटेल्स में बताई है। अब हम यहाँ से बास्केट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टेज 3 स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम 3 बीड्स लेंगे और यहाँ से 2 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब हम 2 बीट लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है उस फ्लावर से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट, इस तरह से 3 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है इस फ्लावर से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट, इस तरह से 3 बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है इस फ्लावर से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 बीट्स लेंगे और यहाँ से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 बीट्स लेंगे और यहाँ से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है इस फ्लावर से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 3 बीट के अंदर से नीडल को निकालना है। फिर से 2 बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है उस फ्लावर से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से हम 2 बीट्स लेंगे और अभी हमने इस फ्लावर को बनाया है तो यहाँ से हम 1 बीट और यहाँ से 2 बीट्स, इस तरह से हम 3 बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए इस कॉर्नर पे थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो मेरा थ्रेड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमें यहाँ पे नया थ्रेड ऐड करना है। बीडिंग फॉर बिगिनर्स के वीडियो में मैंने दिखाया है किस तरह से नया थ्रेड ऐड करना है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से नया थ्रेड ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे थ्रेड को ऐड करना है, तो यहाँ से हम नीडल को निकालेंगे और थ्रेड की एंड में इस तरह से नीडल को निकाल के हम यहाँ पे थ्रेड को ऐड करेंगे। तब हम फिर से 2 बीट्स लेंगे और यहाँ से
अभी जो हमने फ्लावर बनाया था उस फ्लावर से एक बीट और यहाँ से दो बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से दो बीट्स लेंगे और यहाँ से एक बीट और यहाँ से दो बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से दो बीट्स लेंगे, यहाँ से एक बीट और यहाँ से दो बीट, इस तरह से तीन बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से दो बीट्स लेंगे, यहाँ से एक बीट और यहाँ से दो बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से दो बीट्स लेंगे, यहाँ से एक बीट और यहाँ से दो बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब आप इस कॉर्नर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी अभी उसी तरह से बनाना है, दो बीट्स लेना है। और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है इस तरह से एक बीट और यहाँ से दो बीट, फिर से दो बीट्स लेंगे। और अभी हमने इस फ्लावर को बनाया है तो यहाँ से एक बीट और यहाँ से दो बीट, फिर से दो बीट्स लेंगे। और अभी हमने जिस फ्लावर को बनाया है उस फ्लावर से एक बीट और यहाँ से दो बीट। तो देखिए इस कॉर्नर पे भी आगे की तरह थोड़ा सा बेंड हो गया है। तो इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। तो चलिए दोस्तों बाकी दोनों कॉर्नर को भी हम बना लेते हैं। अब मैं आपको थर्ड कॉर्नर बना के दिखाऊंगी इस कॉर्नर को। तो देखिए फिर से दो बीट लेंगे और इस फ्लावर से एक बीट और यहाँ से दो बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से दो बीट्स लेंगे और अभी जो हमने फ्लावर बनाया है इस फ्लावर से एक बीट और यहाँ से दो बीट, इस तरह से हमें दो बीट के अंदर से नीडल को निकालना है। अब हम फिर से दो बीट्स लेंगे और अभी हमने इस फ्लावर को बनाया था तो यहाँ से एक बीट और यहाँ से दो बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस साइड के साथ दूसरी साइड को किस तरह से ज्वाइन करना है। तो देखिए इन दोनों साइड को हमें अब ज्वाइन करना है और बीच में सिर्फ दो बीट्स हैं। तो मैं फिर से दो बीट्स ले लूँगी और अभी हमने इस फ्लावर को बनाया था तो यहाँ से एक बीट और यहाँ से हम दो बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब देखिए बीच में सिर्फ एक बीट है, हमें इन दोनों साइड को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से और एक बीट के अंदर से, यहाँ से इस फ्लावर से हम और एक बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। अब हम सिर्फ एक बीट लेंगे और इस साइड की इस फ्लावर के अंदर से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से हमें दोनों साइड को ज्वाइन करना है। तो देखिए तो बास्केट के लिए हमने फर्स्ट लाइन बना लिया है, अब हम सेकंड लाइन को बनाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लाइन के लिए पहले हमें तीन बीट्स लेना है और यहाँ से हम दो बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब हम दो बीट्स लेंगे और अभी हमने जिस फ्लावर को बनाया था वहाँ से हम एक बीट और यहाँ से दो बीट, इस तरह से हम तीन बीट्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से हम दो बीट्स लेंगे और अभी हम जिस फ्लावर को बनाए थे उस फ्लावर से एक बीट, यहाँ से हम दो बीट,
इस तरह से हम 3 बीड्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें ऊपर की तरफ बीड्स को लेना है, नीचे जो बीड्स हैं हमें इन बीड्स को नहीं लेना है। फिर से हम 2 बीड्स लेंगे। तो अभी हमने इस फ्लावर को बनाया था, तो यहाँ से हम 1 बीड, यहाँ से हम 2 बीड्स, यहाँ से हम 2 बीड्स के अंदर से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। हमें इस डिज़ाइन को बनाना है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें सेकेंड लाइन को बनाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से सेकेंड लाइन को ज्वाइन करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया है सेकेंड लाइन। अब बीच में सिर्फ 2 बीड्स बाकी हैं और हमें दोनों साइड को ज्वाइन करना है। तो देखिए, बीच में 3 बीड्स बाकी हैं। अब हम 2 बीड्स लेंगे और यहाँ से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से 2 बीट्स लेंगे और फिर हमने इस फ्लावर को बनाया था, तो यहाँ से 1 बीट और यहाँ से 2 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब देखिए, बीच में सिर्फ 1 बीट बाकी है, हमें इन दोनों साइड को ज्वाइन करना है। उसके लिए हम यहाँ से और 1 बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अब हम सिर्फ 1 बीट लेंगे और इस साइड की इस फ्लावर से 1 बीट के अंदर से नीडल को निकाल के दोनों साइड को ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने सेकेंड लाइन को आपको दिखाया, उसी तरह से हम 3rd और 4th लाइन को बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा बास्केट यहाँ पे रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे 4 लाइंस बनाई हैं, 1, 2, 3, 4। अब हम इस बास्केट में 2 हैंडल्स लगाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको फर्स्ट चेन की जो डिज़ाइन दिखाई थी, उसी तरह से हम हैंडल को बनाएंगे। फर्स्ट चेन में हमने 9 फ्लावर्स बनाई थी, हैंडल के लिए हम 14 फ्लावर्स बनाएंगे। और यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे। फर्स्ट चेन में भी 14 फ्लावर्स होगा, सेकेंड चेन में भी और थर्ड चेन में भी 14 फ्लावर्स होगा। तो चलिए, इस 3rd चेन तक हम बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी बाकी स्टेप्स। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 3 चेन्स बना लिया है। अब हमें डिज़ाइन को इस तरह से पकड़ के इन दोनों साइड को ज्वाइन करना है यहाँ पे। देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ जो बीड्स हैं, हमें इन बीड्स को ज्वाइन करना है दोनों साइड की। और नीचे की तरफ जो बीड्स हैं, हमें उन बीड्स को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ जो बीड्स हैं उन बीड्स को ज्वाइन करना है। तो देखिए, मेरा थ्रेड यहाँ पे है, यहाँ पे है थ्रेड।
तो पहले हम इन दोनों साइड को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों बीट्स को। यहाँ पे हमें एक बीट्स लेना है और अब हम इस साइड की एक बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। और देखिए यहाँ पे चार बीट से एक फ्लावर बनेगा। अब हम इन दोनों बीट्स को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों बीट्स को। तो इसके लिए हमें थ्रेड को यहाँ पे लाना है। अब हम फिर से एक बीट लेंगे और इस साइड की एक बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे भी चार बीट से एक फ्लावर बनेगा। अब हम इन दोनों बीट को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हमें थ्रेड को इस बीट के अंदर से निकालना है। यहाँ से निकालना है थ्रेड को। अब हम एक बीट लेंगे और इस साइड की इस बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी चार बीट से एक फ्लावर बनेगा। अब हम इन दोनों बीट्स को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए थ्रेड को हमें यहाँ से निकालना है, इस बीट के अंदर से निकालना है। अब हम फिर से एक बीट लेंगे और इस साइड की इस बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। तो इसी तरह से हम सभी बीट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हैंडल के डिज़ाइन को बास्केट में ऐड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक हैंडल को लगा लिया है। मैं आपको यहाँ से दूसरा हैंडल लगा के दिखाऊंगी। तो देखिए डिज़ाइन को इस तरह से पकड़ने से नीचे की तरफ यहाँ पे तीन बीट से एक फ्लावर बनेगा। यहाँ पे तीन बीट से एक फ्लावर बनेगा। तो मैं यहाँ से इस फ्लावर को और इस फ्लावर को लेके मैं यहाँ से हैंडल को लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से हैंडल को लगा सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। अब देखिए इस हैंडल में इस तरह से चार फ्लावर्स है। हमें यहाँ से दो फ्लावर्स को लेना है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस फ्लावर की, इस ऊपर की तरफ जो बीट है इस बीट से स्टार्ट करेंगे। और इस यहाँ से इस फ्लावर की नीचे की तरफ जो बीट है उस बीट से हम दोनों बीट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से इस बीट को और यहाँ से नीचे की तरफ जो बीट है उस बीट को। हमें बास्केट की इस बीट को दो बार लेना है। इस बीट के साथ भी हम इस बीट को ज्वाइन करेंगे और पीछे की तरफ जो फ्लावर है इस फ्लावर को ज्वाइन करने के टाइम भी हम बास्केट की बीट को यूज़ करेंगे, इस बीट को यूज़ करेंगे। तो पहले हम एक बीट लेंगे और यहाँ से हम इस नीचे की बीट, नीचे जो बीट है हैंडल में, इस बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से एक बीट लेंगे और
जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बास्केट की, जो जिस बीट से हमने स्टार्ट किया था उसी बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। अभी हमने जो दोनों बीट्स को ऐड किया है, इन दोनों बीट को भी हमें ज्वाइन करना है यहाँ से और यहाँ से। देखिए यहाँ पे भी हमें इन दोनों बीट को ज्वाइन करना है। तो पहले हम इस साइड को बीट को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस बीट के साथ हमें इस बीट को ज्वाइन करना है। देखिए इन दोनों बीट को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस साइड को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों बीट को हमें ज्वाइन करना है इस बीट के साथ, बास्केट की इस बीट को हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए हैंडल को मैंने आगे की तरफ से ज्वाइन कर लिया है, अब हमें पीछे की तरफ से भी इसे ज्वाइन करना है। तो बास्केट पे मैंने जिस बीट को लिया था उसी बीट के साथ हम पीछे की तरफ भी ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे भी हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए मैंने आगे की तरफ से इस बीट को लिया था और पीछे से भी हमें उस बीट को ही लेना है। तो पहले हम एक बीट लेंगे यहाँ से और हैंडल में इस बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे। फिर से एक बीट लेंगे और बास्केट की उसी एक बीट के अंदर से नीडल को निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी चार बीट से एक फ्लावर बनेगा। अभी हमें इन दोनों बीट को भी ज्वाइन करना है। अभी जो हमने दो नया बीट लिया था उन दोनों बीट को भी ज्वाइन करना है। जिस तरह से मैंने ऊपर की तरफ आपको दिखाया था उसी तरह से हमें पीछे की तरफ भी ज्वाइन करना है। और यहाँ पे थ्रेड को अच्छे से टाइट करके रखना है। अगर लूज़ हो जाए तो बीट्स के अंदर से थ्रेड को फिर से घुमा के इसे टाइट करके नॉट लगाना है। तो देखिए मैंने इस साइड को लगा लिया है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड को भी लगाना है। दोस्तों मेरे चैनल के सभी वीडियोस बंगाली और हिंदी में अवेलेबल है। बीटिंग फॉर बिगिनर्स के लिए मेरे चैनल में वीडियोस हैं। जो दोस्त शुरू से बीटिंग का काम सीखना चाहते हैं मेरे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।